आपकी मेल नहीं आती जो आप लेक्चर भी उसको मुझे मेल पे ना मैं दोबारा इसका ऐड करके दे दूँगा ठीक है। मैंने रजिस्ट्रेशन लेट हुई थी यस जी। बच्चों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अबाउट द मसल इंक्रीज, ठीक है सर। कैमरा चला रहे हैं, क्या कह रहे हो? कैमरा सर नहीं चल रहा। कैमरा ऑन कर लूं? कर दे सर। कैमरे का कोई इशू चल रहा है? हाँ ब्लू वाली अच्छा जी बच्चे, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अबाउट मस्कुलर इंजरीज और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे इम्पोर्टेंट के टाइप ऑफ इंजरीज कौन से होती हैं मसल्स के अंदर, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम लोगों ने इंफ्लेमेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे इंफ्लेमेशन होती है और फिर रिकवरी कैसे होती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोगों ने किसी प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोगों ने उसको मैनेज करना है, स्ट्रेचिंग कब परफॉर्म करनी है
और कब परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है, आफ्टर 10 टू 14 डेज आपने गुजार करना है। अच्छी बात यह है कि 14 डेज के बाद आप स्ट्रेचिंग करें और उससे पहले तक आप कर सकते हो कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, ठीक है। सो आज का हम लोगों का टॉपिक है अबाउट टेंडिनियस इंजरीज, टेंडन के बारे में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सर। एक्सक्यूज मी सर, शेयर स्क्रीन कर दें। अच्छा ठीक है, सो आज का हम लोगों का टॉपिक है टेंडन से रिलेटेड, ठीक है। टेंडन इंजरीज क्या है, तो सबसे पहले टेंडन एक्चुअली टेंडन है क्या, ठीक है। आप सबको पता है कि टेंडन इटसेल्फ एक ऐसा टिश्यू है जो कि एक्चुअली मसल को अटैच करता है डायरेक्टली विद द बोन, ठीक है। और टेंडन के अंदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज हैं कि ये मसल के फंक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जितनी भी टेंडन के ऊपर लग रही है या जितनी भी एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी एक्चुअली टेंडन ने कैप्चर करनी है, ठीक है। और उस टेंडन ने उस फोर्स को ट्रांसमिट करना है टू द बोन। तो अगर तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा तो वो मैक्सिमम फोर्स को ट्रांसमिट कर सकेगा, ठीक है। अगर वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा तो जितनी फोर्स एक मसल ने प्रोड्यूस की होगी उसमें से हाफ ऑफ द फोर्स तो वो अपनी उस सॉफ्टनेस को ख़त्म करने के लिए यूज कर लेगा। इसलिए टेंडन इटसेल्फ एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए उसको रिजिड रहना पड़ता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि टेंडन जो है इटसेल्फ वो कंप्लायंट स्ट्रक्चर है। कंप्लायंट स्ट्रक्चर, अब एक साइड पे तो वो रिजिड है और दूसरी साइड के ऊपर वो कंप्लायंट है, क्यों, ठीक है। रिजिड इसलिए है क्योंकि उसने फोर्स को ट्रांसमिट करना है, जितनी भी एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। कंप्लायंट इसलिए है ताकि उसके ऊपर जितनी भी अनयूजुअल फोर्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं, किसी भी किस्म की अनयूजुअल फोर्स आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट कर सके, ठीक है। और सेकेंडली कि अगर कोई फोर्स जनरेट हुई है तो वो उसको नेक्स्ट किसी एक्टिविटी के लिए स्टोर कर सके फॉर द लेटर यूज, ठीक है। इसलिए टेंडन रिजिड भी है और कंप्लायंस भी है एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों तरीकों से काम कर रहा है, ठीक है। अगर तो टेंडन सिर्फ रिजिड होता तो भी आपके इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाने थे, ठीक है, और अगर सिर्फ कंप्लायंट होता तो भी इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाने थे, ठीक है। या टेंडन ने उतना एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क नहीं करना था जितना एफिशिएंटली या इफेक्टिवली वो आप करता है, सही हो गया, यहाँ तक बात की समझ आ गई। टेंडन के ये दो किस्म की इंजरीज हो सकती हैं, एक्यूट या फिर क्रॉनिक। आप सबको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि एक्यूट इंजरी टेंडन की क्या हो सकती है, या वो कंप्लीट टियर हो सकता है या फिर पार्शियल टियर हो सकता है, और क्रॉनिक क्या है, टेंडिनोपैथीज हैं, टेंडिनाइटिस हो सकता है, टेंडिनोसाइनोवाइटिस हो सकती हैं, ठीक है। जितनी भी टेंडिनोपैथीज हैं जो क्रॉनिक इंजरीज के तौर पर माइनर ट्रॉमा हो, ठीक है, कॉन्टीन्यूस हो, ठीक है, कैन लेड टू टेंडिनोपैथीज, ठीक है, या टेंडिनाइटिस हो सकता है। तो क्रॉनिक भी हो सकती है और एक्यूट इंजरी भी हो सकती है, एक्यूट इंजरी इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल टियर और कंप्लीट टियर, ठीक है। अगर हम एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, तो अगर ग्रॉसली हम देखें, ठीक है, तो टेंडन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या तो वो शीट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर वो रॉड लाइक या राउंडेड स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। राउंडेड स्ट्रक्चर, अब कहीं पर ऐसा भी है कि राउंडेड भी है एट द सेम टाइम और एट द सेम टाइम उसकी शीट लाइक स्ट्रक्चर भी है, एपोन्यूरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सही है। एपोन्यूरोसिस इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे मसल एक डायरेक्शन के अलावा डिफरेंट डायरेक्शंस में वर्क कर रहा है वहाँ पर टेंडन की एपोन्यूरोसिस बन जाती है, ठीक है। अगर उसने किसी एक डायरेक्शन में काम करना है या उस मसल का जिसका वो टेंडन है उस मसल ने सिर्फ एक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर टेंडन एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर टेंडन ने एक डायरेक्शन से ज़्यादा डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को
ट्रांसमिट करना है ऑन टू द बोन एक से ज्यादा डायरेक्शन में, तो फिर वो एपोन्यूरोसिस जो शीट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कहीं पर ये कम्बिनेशन भी होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है और एज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा टेंडन की जिस तरीके से हम लोगों ने बात की थी कि मसल्स, ठीक है, अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सार्कोमेरस हैं, मायोफिब्रिल्स हैं, फिर मसल फाइबर्स बनते हैं और फिर आपके मसल बन जाता है। और इसके अलावा अल्लाह ने कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स रखी हुई हैं और वो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग क्या करती हैं, एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रही हैं मसल्स को, ठीक है, फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। इसी तरीके से आपके टेंडन्स की भी अल्लाह ताला ने कवरिंग रखी हुई है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने उसकी डिवीजन पढ़ने के टेंडन में डिवीजन क्या होते हैं, तो सिंपली, ठीक है, अगर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट, ठीक है, कोलेजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोलेजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो आपके फाइब्रिल्स बनाते हैं, फाइब्रिल्स मिलकर आगे से फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर्स आगे से मिलकर आपके सब फेसिकल्स, ठीक है, या बंडल ऑफ फाइबर्स बना देते हैं, सब फेसिकल्स मिलकर आगे से फेसिकल्स बनाते हैं और फेसिकल से फिर आपका एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर मीन्स आपका एक टेंडन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है, इन सब को या मोस्ट ऑफ दी स्मॉलर स्ट्रक्चर को अल्लाह ताला ने कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स के साथ कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स हैं जस्ट मतलब टर्शियरी फाइबर बंडल्स के अलावा आपके फेसिकल्स, सब फेसिकल्स या आपके फाइबर्स, इनको जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है वो तीनों में एंडोटीनन ही है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल लेयर है, ठीक है, और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते ही एंडोटीनन है। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि हम लोग पहले जो मसल्स वगैरह में पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं ना कि जी एंडोमाइसियम है तो उसमें सिर्फ अंदर वाले मसल्स को या मायोफाइब्रिल्स को कवर किया हुआ है, ठीक है, और मसल फाइबर्स हैं उसमें एपीमाइसियम पेरीमाइसियम है और फिर आपका मसल है एज अ होल तो एपीमाइसियम है, लेकिन एंडोटीनन ने इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कवर किया हुआ है, वो चाहे फेसिकल्स हैं, वो चाहे सब फेसिकल्स हैं, ये चाहे वो फाइबर्स हैं, तीनों को किसने कवर किया हुआ है, एंडोटीनन ने। और एंडोटीनन जो है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है टेंडन्स में, क्योंकि एंडोटीनन ही वो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जो कि ब्लड वेसल्स को और लिम्फेटिक वेसल्स को लेकर आ रही है और लेकर जा रही है, ठीक है। सो एंडोटीनन का अगर कहीं पर भी रप्चर हो जाए या एंडोटीनन कहीं पर भी टियर हो जाए तो वहाँ पर पहले ही टेंडन क्या है, उसकी पोअर वेस्कुलर सप्लाई है, और जहाँ पर एंडोटीनन रप्चर हो जाए तो वहाँ पर और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ब्लड सप्लाई और ज़्यादा क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड टेंडन इज अ वाइड स्ट्रक्चर ना, ठीक है, तो इधर पहले ही ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है। एंडोटीनन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिटीनियन एंड पैराटीनियन, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो टर्शियरी फाइबर बंडल है, ठीक है, सेकेंडरी फाइबर बंडल है, फेसिकल्स है, सब फेसिकल्स है। अब इन तीनों को उन्होंने लेबल किया हुआ है एंडोटीनियन, ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है आउटर मोस्ट, ठीक है, ये क्या है, एंडोटीनियन की है। फिर जब एक टेंडन बन जाता है तो टेंडन को किसने कवर किया हुआ, आपके एपिटीनियन है, ठीक है, और फिर एट द एंड पैराटीनियन है, ठीक है। पैराटीनियन एक्चुअली एक डिफरेंट लेयर है जो कि टेंडन को ऐसा होल कवर कर रही है, ठीक है, और उस कवरिंग के अंदर टेंडन क्या कर रहा है, ग्लाइड कर रहा है, ठीक है, दैट इज पैराटीनियन। एपिटीनियन के अंदर टेंडन ने ग्लाइड नहीं करना, एपिटीनियन कंप्लीटली अटैच्ड विद द टेंडन, लेकिन इस एपिटीनियन के बाद क्या है आपके पास, पैराटीनियन एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जिसके अंदर ये टेंडन ग्लाइड करेगा, ठीक है, सही है, यहाँ पर बात की समझ आते हैं। दैट इज सर दोबारा बता दें एपिटीनियन। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो आपकी एंडोटीनियन है वो उन्होंने सब फेसिकल को भी कवर किया हुआ है, फेसिकल को भी कवर किया हुआ है, फाइबर को भी कवर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई। फिर आपके पास आ जाता है एपिटीनियन, एपिटीनियन ने क्या टेंडन को ऐसा होल राउंडेडली कवर किया हुआ है और उसके साथ कंप्लीटली अटैच होती है, ठीक है। अब लास्ट में एक और लेयर है कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग की जिसको हम लोग बोलते हैं पैराटीनियन, जिसके अंदर टेंडन ग्लाइड करता है, ठीक है, इसकी अटैचमेंट नहीं है विद द अंडरलाइंग टेंडन, जबकि जो एपिटीनियन है इसकी अटैचमेंट है,
ठीक है। तो पैराटीनियल आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन वो ऐसी आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसके अंदर टेंडन जो है वो एज अ होल ग्लाइड कर रहा है, सही है, पर उसके अटैचमेंट नहीं है, उसके अटैचमेंट नहीं है अंडरलाइन टेंडन के साथ, टेंडन उसके अंदर ग्लाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे टनल है, एक टनल होती है, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से वो एक टनल के तरीके से काम कर रहा है कि टनल है आपकी पैराटीनियल और उसके अंदर जो है आपका टेंडन वो ग्लाइड कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब टेंडन जो है एक्चुअली जिस तरीके से आपके मसल्स हैं, मसल्स में हम लोगों ने बात की थी सैटेलाइट सेल्स की फॉर रिजनरेशन, ठीक है, इसी तरीके से जो आपके टेंडन्स हैं उनमें आपके फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो आपके टेंडन को एज अ होल आपके टेंडन की जितनी भी लेंथ है उसके अराउंड आपके फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, कि कहीं पर भी कहीं पर माइक्रो रप्चर हुआ है, कहीं पर माइनर इंजरी हो रही है, तो फाइब्रोब्लास्ट फौरन से वहां पर माइग्रेट करके तो क्या कर सकते हैं, उसकी हीलिंग कर सकते हैं या रिजनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइब्रोब्लास्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिजनरेशन ऑफ द टेंडन, ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपके पास प्रोटीग्लाइकेंस हैं, वाटर है, और इसके अलावा कोलेजन के टाइप्स हैं, डिफरेंट कोलेजन के टाइप्स हैं, जो मोस्ट अबंडेंट टाइप है दैट इज टाइप वन कोलेजन, जिससे मैक्सिमम जो है वो आपका टेंडन बना हुआ है, मतलब कंपोजिशन अगर टेंडन की देखी जाए तो मैक्सिमम टेंडन के अंदर जो कोलेजन है वो है टाइप वन, क्योंकि टाइप वन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से अल्लाह ताला ने टेंडन में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस में रखा हुआ है वो टाइप वन कोलेजन रखा हुआ है, ठीक है। याद रखना है कि जो नॉर्मल एक टेंडन है उसमें टाइप वन कोलेजन ज़्यादा होता है, लेकिन जब इंजरी हो जाती है और इंजरी के बाद रिपेयर स्टार्ट होता है तो टाइप थ्री कोलेजन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आप जितने बच्चे ऑनलाइन हैं समझ आइए बात की, नॉर्मल में टाइप वन कोलेजन अबंडेंस में है, तो आफ्टर द इंजरी जब रिपेयर स्टार्ट होगा, ठीक है, रीजनरेशन स्टार्ट होगी तब टाइप थ्री कोलेजन अबंडेंस में आ जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द रीजनरेशन, मतलब इंजरी हो गई और अब रिपेयर होना शुरू हुआ है तो फिर टाइप थ्री कोलेजन ज्यादा अबंडेंस में होगा, ठीक है, तब रिपेयर हो जाएगा, फिर टाइप वन में ज्यादा हो जाएगा, फिर टाइप थ्री जितना भी होता है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इनटू टाइप वन, ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजी क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है टेंडन, और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड करता है इसकी लोडिंग या अनलोडिंग के ऊपर, ठीक है, जितनी लोडिंग ज्यादा होगी उतना टेंडन मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा मसल है जिसकी कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स मैक्सिमम है तो उसके साथ टेंडन भी वही अटैच होगा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, और एक ऐसा मसल है जिसकी कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ही लोएस्ट है तो उसके साथ एक ऐसा टेंडन अटैच होगा जो कि आपका मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा लेकिन एक्टिव जरूर होगा, ठीक है, हम उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव कहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगा, समझ आ गई बात, सही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, ठीक है, जो उसने ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम द मसल ऑन टू द बोन, ठीक है, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ट्रेनिंग, विद द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, टेंडन जो है वो अपनी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, हम ये कहेंगे कि टेंडन के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो ऐसा गलत है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन प्रोड्यूस होंगी, टेंडन अपने आप को फिजियोलॉजिकली अडेप्ट करेगा, मेटाबॉलिकली एडवांस करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है, और मेटाबॉलिकली अपने आप को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, समझ आ गई बात। यहां तक बात को समझ आ गई, ठीक है,
अच्छा टेंडन जो फोर्स है, टेंडन फोर्स कौन सी बेयर करता है? मैक्सिमम जो टेंडन को फोर्स बेयर करनी पड़ती है दैट इज ऑफ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा टेंडन को अपनी कंप्रेशन फोर्सेस भी हो सकती हैं टेंडन के ऊपर, ठीक है, और टेंडन के ऊपर सिंपली स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है, शेयरिंग फोर्स भी हो सकती है, कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टेंडन के ऊपर फोर्स है वो डेट इज ऑफ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। उन्होंने एक एग्जांपल दिए कि कंप्रेसिव फोर्सेस कैसे हैं। यूजुअली जब बोनी टनल्स में से या जैसे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है उसने आपके ह्यूमरल हेड को पूरे को क्रॉस करना है और एक इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस होता है जिसके अंदर से आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पास करता है, तो दैट इज अ जस्ट शैलो होता है, ठीक है, टनल तो नहीं होती है सच, लेकिन शैलो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस में से आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पास करता है, तो वो भी क्या है कंप्रेसिव फोर्स उसके ऊपर आएगी जब भी आपके बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया कि कंप्रेशन कैसे आती है, ये शेयरिंग फोर्स कैसे आती है, ठीक है, जब जब वो टनल में से पास करेगा, ठीक है, या किसी ट्यूबरकल के ऊपर से पास करेगा तो उसके ऊपर कंप्रेसिव और शेयर फोर्स आएगी। स्ट्रेन जो उसकी ये है टेंसाइल फोर्स है, ये सिंपली आप सबको पता है कि जैसे लेट से ये दिस इज द मसल, ठीक है, मसल ने ट्रांसमिट करनी है फोर्स ऑन टू द टेंडन, ठीक है, और टेंडन ने आगे फोर्स ट्रांसमिट करनी ऑन टू द बोन, तो टेंडन इज इन बिटवीन द बोन एंड द मसल, ठीक है, तो टेंडन ने फोर्स को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, जैसे इसेंट्रिक लोडिंग है, ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग में मसल की कॉन्ट्रेक्शन हो रही है लेकिन जो बोन की मूवमेंट है वो अवे है, ठीक है, ऐसी है ना, मसल कॉन्ट्रेक्ट कर रहा होता है लेकिन बोन की मूवमेंट अवे होती है मसल की कॉन्ट्रेक्शन से, दैट इज इसेंट्रिक लोडिंग ना, लेकिन टेंडन उसमें भी तो काम कर रहा है, ठीक है, उसमें उसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, ठीक है, तो वो स्ट्रेन को किस तरीके से ये ट्रैक्शन फोर्स उसको भी वो बेयर कर रहा है, ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग में, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स दैट इज गोइंग टू ट्रांसमिट ऑन द टेंडन, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने बात आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है, तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है टेंडन की इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, जितनी भी मैकेनिकल एक्टिविटी है, ठीक है, एक टेंडन की विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, और आप सबको पता है विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी उस कंपोजिशन की वजह से, दैट इज ड्यू टू द प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द वाटर कंटेंट, ठीक है, और ड्यू टू द कोलेजन कंपोजिशन, ठीक है, ये उसकी विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज में हेल्प करती हैं, और उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ग्राफ आप सब लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक दफ़ा दोबारा जो सिंपली जो सबसे पहला रीजन आता है वो डेट इज अबाउट द टोर रीजन, ठीक है, जो वाई एक्सिस है डेट इज स्ट्रेस, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है डेट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज फॉर डिफॉर्मेशन चेंज इन द शेप ऑफ अ टेंडन, ठीक है, और दैट इज अ फोर्स, ठीक है, टू रीजन में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है, क्या होती है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है, क्यों, क्योंकि जब स्टार्ट होता है तो टेंडन जो है टेंडन के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो हमेशा वेवी नेचर में प्रेजेंट होते हैं, वेवी नेचर में, इट इज अ डिफरेंट शेप, ठीक है, और जैसे ही फोर्स अप्लाई होती है तो वेवी वेवीनेस क्या हो जाती है खत्म होकर स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ठीक है, तो ये एक तरह का शेप है, स्ट्रेट शेप जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द वेवी शेप, ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि टो रीजन में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है विद मिनिमम फोर्स, विद मिनिमम फोर्स देयर इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन विद इन द टो रीजन, ठीक है, सही है, उसके बाद क्या होता है कि आपका लीनियर रीजन आ जाता है, लीनियर रीजन मींस कि जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतनी ही डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है, लेट्स से आपका 5% फोर्स अप्लाई कर रहे थे और 5% डिफॉर्मेशन होगी and with the application of more stress there will be more deformation, so that's why we call it as linear region, ठीक है, linear region के बाद आपके पास microscopic failure start हो जाते हैं, ठीक है, अब linear region के बाद अगर आप क्या करना start करते हो stress apply करना continue रहता है तो फिर क्या हो सकता है there will be a microscopic failure, लेकिन जब हम कहीं किसी को training करवा रहे होते हैं training, ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक फेलियर्स दे आर एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू टेक प्लेस,
हम क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फेलियर हो ताकि टेंडन अपने आप को अडैप्ट कर सके, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक फेलियर कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए कि लेट्स से एक फिजिकल एक्टिविटी से उसको माइक्रोस्कोपिक फेलियर हो आज के दिन और मैं वही फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करवाऊँ लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज, तो यही माइक्रोस्कोपिक फेलियर विल लीड टू मैक्रोस्कोपिक फेलियर और इवेंचुअली रप्चर। ठीक है, मैंने अगर आज फिजिकल एक्टिविटी कैसी करवाई जैसे माइक्रोस्कोपिक फेलियर हुआ तो मैं कल या दो हफ्तों तक वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करवाऊंगा ताकि उसका टेंडन फिजियोलॉजिकली अडैप्ट हो सके अगेंस्ट दैट। ठीक है, होता गया है हम मैंने अगर आज फिजिकल एक्टिविटी करवाई जैसे माइक्रोस्कोपिक फेलियर हुआ तो लेट्स से टेंडन की कैपेसिटी है वो 15 डेज के बाद अपने आप को हील कर लेगा, लेट्स से 16 डे के ऊपर दोबारा वो फिजिकल एक्टिविटी करवाता हूँ दोबारा माइक्रोस्कोपिक फेलियर होगा, लेकिन आज क्या होगा वो 15th डे में नहीं लेकिन वो 10-12 डेज के अंदर अपने आप को हील कर लेगा एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, वो ऐसे ही अपने आप को जितना जल्दी हील करेगा उतनी ही ज्यादा उसमें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें वो फिजिकल एक्टिविटी माइक्रोस्कोपिक फेलियर कॉज नहीं करेगी। समझ आ गई बात? ठीक है, और अगर ये स्ट्रेस आपका कंटिन्यू रहता है ठीक है तो फिर आपका माइक्रोस्कोपिक फेलियर हो सकता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आइदर पार्शियल क्लियर हो रहा कंप्लीट क्लियर। ठीक है, ऑफ अ टेंडन। ठीक है, एक्यूट हो सकती है या फिर क्रॉनिक हो सकती है। एक्यूट क्या है, पेजी पार्शियल क्लियर हो जाए या कंप्लीट क्लियर हो जाए। यूजुअली जो आपके एक्यूट टीयर्स हैं ठीक है जो एक्यूट इंजरी है वो ज़्यादातर उनमें होती है जो टेंडन सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से टेंडन सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं? लोअर नहीं, बाइसेप नहीं, लोअर में लोअर एक्सट्रीमिटी में आपका एचिलस टेंडन सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, या पैटेलर टेंडन यूज होता है सबसे ज़्यादा, और अपर एक्सट्रीमिटी में आपका सुप्रास्पाइनेटस टेंडन सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस का मेन काम है ना, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन का मेन काम है उसमें टेंशन करवानी है और उसकी एक तो एक उसका कोर्स ऐसा है कि वो कोर्स जो उसका सब एक्रोमियल स्पेस है वहाँ से पास कर रहा है, देयर इज अ चांस कि इंपिंजमेंट के चांसेस हैं और वहाँ उसके टीयर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये तीन ऐसे टेंडन हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके चांसेस हैं कि उनमें एक्यूट इंजरी हो सकती है, बाकी किसी भी टेंडन में इंजरी हो सकती है एक्यूट, लेकिन ये ऐसे तीन टेंडन हैं जो एक्यूटली इंजर्ड हो सकते हैं मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और इसके अलावा क्रॉनिक इंजरी हो सकती है, क्रॉनिक इंजरी किसी भी टेंडन में हो सकती है, कोई भी टेंडन है आपकी बॉडी में वो क्रॉनिकली इंजर्ड हो सकता है। यहाँ पर क्रॉनिकली इंजर्ड से मतलब क्या है, ये बात नहीं है कि जी एक्यूटली इंजर्ड हुआ और जब वो मैनेज ना हो सका तो फिर वो क्रॉनिक हो गया। क्रॉनिकली इंजर्ड से मुराद क्या है कि माइक्रोस्कोपिक फेलियर कॉन्टिन्यू रहे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टीयर्स कॉन्टिन्यू रहे थ्रू आउट द मंथ्स और थ्रू आउट द ईयर्स। इट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, हाँ उसको आप कह तो सकते हो कि गोल्फर्स को, लेकिन वो चीज़ हो सकता है उसमें भी कंप्लीट क्लियर हो जाए। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, और मोस्टली वैसे उसमें टेंडनाइटिस ही होती है, इन्फ्लेमेशन ही होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जी डेट इज अ क्रॉनिक इंजरी ऑफ अ टेंडन। ठीक है, जब माइक्रोस्कोपिक फेलियर कंटिन्यू रहे थ्रू आउट द मंथ और थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तो हम उसको फिर कैटेगराइज करते हैं एज अ क्रॉनिक इंजरी। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई? कंप्लीट ईयर, सिंपली कंप्लीट ईयर में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा दैट इज ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन सडन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको टेंडन जहाँ पर नजर आ रहा होगा लेट्स से एचिलस टेंडन, ठीक है, वो आपको कॉमनली आपको नजर आता है, आप सबको चाहे जितना मर्जी मोटा हो बीज हो बंदा या जितना मर्जी पतला हो आप सबको अपना एचिलस टेंडन जरूर फील होगा। ठीक है, तो एचिलस टेंडन को हम लोग इजिली पल्पेट भी कर सकते हैं, कहते हैं जहाँ पर भी कम्प्लीट ईयर होगा लेट्स से एचिलस टेंडन, मोस्ट कॉमन चांसेस हैं एचिलस टेंडन के कम्प्लीट ईयर के, अगर उसका कंप्लीट ईयर हो जाएगा एक तो लॉस ऑफ फंक्शन है इंपॉर्टेंट फैक्टर में, और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको वहां पर टेंडन में ब्रेक मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप पल्पेट करना शुरू करोगे तो आपको ऑब्वियस एविडेंस मिलेगा ऑफ द ब्रेक। ठीक है, आपको टेंडन एज अ होल कॉन्टिन्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, पल्पेशन के दौरान इसके अलावा पेन हो सकती है। ठीक है,
लॉस ऑफ फंक्शन है एंड द लॉस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ऑफ द टेंडन. और स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए हम लोग MRI करवा सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं या MRI करवा सकते हैं, लेकिन हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पहले अच्छा करना आता होगा तो ही हम लोग ये सारा काम करवा सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात की. अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा. मसल मसल के साथ ही टेंडन है, क्या अच्छा मसल की इंजरी हुई है, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं एम्प्टी गेन टेस्ट, ठीक है, जब आप लोग क्लिनिकल सेटअप में जाओगे एम्प्टी गेन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. अब आप लोग मुझे ये बताओ सुप्रा स्पाइनेटिस का टेंडन भी है, सुप्रा स्पाइनेटिस मसल भी है, जहाँ पर टेंडन है वहाँ पर मसल भी तो है ना. लेट्स से पेशेंट, मैं रेजिस्ट करता हूँ पेशेंट को पेन होती है, तो विल इट इंडिकेट कि सुप्रा स्पाइनेटिस टेंडनाइटिस ही है, ये इंडिकेट करेगा, बुक्स कहती है ना कि जी इंडिकेट करेगा, दैट इज सुप्रा स्पाइनेटिस टेंडनाइटिस. लेकिन मसल भी तो है, हो सकता है कि मसल में कोई इशू हुआ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, तो सुप्रास्पाइनेटस मसल भी इन्वॉल्व हो सकता है, एट द सेम टाइम टेंडन भी इन्वॉल्व हो सकता है. इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, हिस्ट्री विल आपको हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताएगी कि एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है इंजरी का, और उस मैकेनिज्म से आपने डिड्यूस करना है कि वेदर इट कैन बी अ टेंडन और वेदर इट कैन बी अ मसल बिफोर गोइंग टू अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ठीक है. अगर आप उसको MRI करवाना चाह रहे हो तो MRI करवाने से पहले कम से कम आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टेंडन है या मसल है, ठीक है, समझ आ गई बात की, ठीक है. सो स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए हम लोग MRI या फिर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं. यहाँ पर आप सब लोग एक पिक्चर नजर आ रही है, कोई भी टिश्यू, ठीक है, सुपर जाता है, सेम टू सेम आफ्टर द ईयर ये टिश्यू क्या हो गया, ये टेंडन क्या हो गया, रिग्रेस कर दिया है, सुपर गया है, ठीक है, सिंपली, ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट ईयर ऑफ HLS टेंडन, ठीक है. ये MRI है, मोनस पटाई, ये वेल प्लेटियो, ठीक है, ये टिबिया, ये फेमोरल पटाई, ये पैटेला, ठीक है, दिस पैटेला, दिस वन लो, ये जो एस शेप नजर आ रहा है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसकी ये अटैचमेंट हुई है फ्रॉम द पैटेला, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट ईयर, ठीक है. एक्चुअली तो पेटला पेटला पे आपको कॉर्डिस अटैच हो रहा है और आगे पेटला से आगे टिबिया तक जो है वो टेंडन ही है, पेटलर टेंडन ही है ना, मसल तो नहीं आ रहा है. तो ये तो पेटला के आगे यहां पर ये अटैचमेंट हुई है ऑफ द पेटलर टेंडन, ठीक हो गया. तो दिस इज द कंप्लीट टियर. आप सबको लास्ट टाइम भी बताया था कि टेंडन जो सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें बताया था कि टेंडन वहाँ पर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पर वस्कुलर सप्लाई पुअर होती है, ठीक है, वहाँ पर टेंडन इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से HLS टेंडन को उन्होंने बताया गया कि जो इंजरी के चांसेस है डेट इज 2-6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द इंसर्शन साइट एट द कैल्केनियस, कि मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है डेट इज 2-6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द इंसर्शन साइट HLS टेंडन के लिए, ठीक हो गया, सही है. और इसके अलावा कहते हैं दिस एरिया अलोंग विद द इंसर्शन साइट इज आल्सो नोन टू बी पुअरली सप्लाइड विद द ब्लड. इसके अलावा जो इंसर्शन पॉइंट होता है किसी भी टेंडन का बोन पर वो भी पुअरली वस्कुलराइज्ड होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर उसका कंप्लीट टियर हो सकता है या रप्चर हो सकता है, ठीक है. सो दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है, दोनों एसोसिएटेड है विद पुअर वेस्कुलर सप्लाई.
इसके अलावा पॉजिटिव फैक्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, ऑब्वियसली फोर्स, ठीक है, फोर्स एक इम्पॉर्टेंट है, लार्ज फोर्स होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड फोर्स का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कोई भी टेंडन उसके सामने आएगा वो टेंडन को रप्चर कर देगा, ठीक है, सही है। इसके अलावा वो कहते हैं कि मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, या उनकी जो फोर्स फोर्स एप्लीकेशन है विद इन दैट फिजिकल एक्टिविटी वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। सो सर्टन क्लासेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है, और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये आपके जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं इनको वीक कर देते हैं, ठीक है, वो चाहे टेंडन्स हैं चाहे लिगामेंट्स हैं, ठीक है, एक्चुअली जितने भी ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं ये एक्चुअली डिपेंडेंट हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ देयर कोलेजन टाइप 1। ये जितने भी ये जैसे एंटीबायोटिक्स हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये क्या करती हैं उन कोलेजन को टाइप 1 को क्या कर देती हैं, एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, उसकी डेपोजिशन डिप्राइव कर देती हैं फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यूज उस कोलेजन को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और फिर इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी एक नेगेटिव रोल है ऑन द टेंडन, ठीक है, इनिशियली तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हेल्प करेंगे इन गेनिंग द स्ट्रेंथ, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कंटिन्यू रहते हैं तो फिर वो क्या करना शुरू कर देंगे, आपके टेंडन्स को रप्चर करना शुरू कर देंगे, वीक करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा प्रीवियस टेंडन इंजरी, ठीक है, अगर किसी भी प्रीवियस टेंडन को आपने रिहैबिलिटेट नहीं सही तरीके से किया हो तो देयर इज अ चांस के दोबारा री इंजरी के चांसेस हैं, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। और जो जितने भी यंगर इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हम उनके लिए सर्जरी अलाउ करते हैं, उनको सर्जरी का कहते हैं, लेकिन ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि ओल्डर हैं, ठीक है, और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हम उनको फिर कंजर्वेटिवली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन जो यंगर इंडिविजुअल्स हैं हम उनको हमेशा अलाउ करते हैं या उनको हमेशा एडवाइस करते हैं टू गो फॉर द सर्जरी। कंप्लीट ईयर में भी और अक्सर पार्शियल ईयर में भी एक्टिव इंडिविजुअल्स को हम लोग भेज देते हैं, क्योंकि एक्टिव इंडिविजुअल्स जब लेट्स से अभी ब्रेक है, लेट्स से चाहे वो हाफ ब्रेक है, एक टेंडन हाफ ब्रेक है, अगर मैं उसकी सर्जरी करवा दूंगा तो देयर इज अ चांस कि वो जल्दी रिहैबिलिटेट हो सके, क्योंकि वो एक्टिव इंडिविजुअल है, यंगर इंडिविजुअल है, तो उसमें जल्दी वो बेहतर हो जाएगा, या इससे कि मैं उसको इमोबिलाइज रखूँ फॉर अ टाइम पीरियड के जी वो स्विच रिंग हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टेंडन जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव जरूर है लेकिन वेस्कुलर सप्लाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो क्यों ना उसकी सर्जरी करवा कर ज़्यादा तेजी से उसको वो किया। फुल टीयर में भी अगर उसने कोई लेट से उसने कहीं पर काम कोई ऐसा नहीं करना है, किसी एक्टिविटी में काम नहीं करना, तो हम लोग कंपनी उसको यूज़ करवा सकते हैं कि विदाउट एनी सर्जरी हम उसको कोई और फोर्सेज यूज करवा दें, ठीक है, कि वो वर्क फोर्सेज में उसका काम आ जाए। फुल टीयर में सेम टू सेम जैसे लिगामेंट्स की कहानी है कि ड्यूरिंग द इंजरी जब वो कट हो रहा है तब बहुत ज़्यादा पेन होगी, लेकिन आफ्टर डेट देयर विल बी नो पेन, ठीक है, पेन खत्म हो जाए कंप्लीट, लेकिन जो पार्शियल टीयर है उसमें जब जब स्ट्रेस आएगा तब तक पेन तब तक पेन होगी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ जीन्स के बारे में बताया हुआ है कि ये जीन्स एक्चुअली इनका रिलेशन है विद द टेंडन इंजरी, ठीक है, जैसे टेरेसिन सी जीन है, ठीक है, इसका रिलेशन है आपको COL5A1 इसका रिलेशन है विद द एचिलस टेंडन इंजरी, ठीक है, मतलब ये दो जीन्स ऐसे हैं जो कि जिनमें ये टेंडन इंजरी हुई थी एचिलस की उनमें ये अबंडेंस में पाए गए, ठीक है, और ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उन्होंने बताया हुआ कि वो क्या करता है और ये क्या करता है, ठीक है। टेंडिनोपैथी जो है इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम और इंटेंसिटी ऑफ द टेंडन लोडिंग एंड दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय अदर फैक्टर्स सच एज एज जेंडर बॉडी मास डिजीज एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन फीमेल्स, ठीक है। अब टेंडिनोपैथी आपकी फोर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है,
लेकिन इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो आपकी जेंडर भी आ जाते हैं, वो आपकी एज भी आ जाती है, वो आपका बॉडी मास इंडेक्स भी आ जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। लेट्स से एक फोर्स मेरे अंदर टेंडिनोपैथी प्रोड्यूस कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं वही सेम फोर्स आप लोगों के अंदर वो टेंडिनोपैथी प्रोड्यूस करे। समझ आई बात की? तो टेंडिनोपैथी क्या है? टेंडेनाइटस है। टेंडेनाइटस हो जाना या टीनोसाइनोवाइटस हो जाना, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स है उनका इन्फ्लेम्ड हो जाना जिसमें वो टेंडन ग्लाइड कर रहा है। तो टेंडिनोपैथी इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्प्लीट और पार्शियल टीयर। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम जिस तरीके से वेस्कुलर सप्लाई, पुअर वेस्कुलर सप्लाई कॉज करती है पार्शियल और कंप्लीट टीयर, इनमें भी ऐसे ही पुअर वेस्कुलर सप्लाई कैन लीड टू टेंडिनोपैथीज। ठीक है, जहां पर वेस्कुलर सप्लाई कम होगी वहां पर ज्यादा चांस होगा टेंडिनोपैथी का। ठीक है, अच्छा हीलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को कहता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो साइटोकाइंस प्ले करते हैं। ठीक है, साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले कहीं पर भी अगर टेंडन पर इंजरी हुई है तो साइटोकाइंस आएंगे और साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन को कैसे प्रमोट करते हैं? वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, और जितना भी डैमेज मटीरियल होता है उस टारगेटेड साइट के ऊपर उसको फेगोसाइटोल किया जाता है विद मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, वो जो टारगेटेड मटीरियल है उसको फेगोसाइटोस किया जाता है, डैमेज जितना भी होता है उसको फेगोसाइटोस किया जाता है विद मोनोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होती है, इनिशिएशन एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होती है, और फिर जो आपके टीनोसाइट्स होते हैं, टीनोसाइट्स दे आर टेंडन फॉर्मेशन सेल्स। ठीक है, ये जो टीनोसाइट्स होते हैं ये प्रोलिफरेट करते हैं टुवर्ड्स डेट साइट, माइग्रेट करते हैं सबसे पहले उस एरिया पर जहाँ पे टेंडन की इंजरी हुई है, और फिर प्रोलिफरेट करते हैं टू द टेंडन टिश्यू या टेंडन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं टीनोसाइट्स। ठीक है, और टाइप थ्री कोलेजन के सिंथेसिस क्या हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। वो जो टाइप थ्री कोलेजन होता है वो आपके टेंडन को लिंक करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा रीमॉडलिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या है आपकी? रीमॉडलिंग स्टेज है, डेट विल ऑकर आफ्टर 2 to 3 days, जिसमें कोलेजन टाइप 3 के सिंथेसिस जो है वो पीक पर होती है। ठीक है, और आफ्टर दैट देयर विल बी अ डाउन रेगुलेशन ऑफ कोलेजन टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 की जो सिंथेसिस जो प्रोडक्शन हो रही थी वो अब कम होना शुरू हो जाएगी आफ्टर दैट पीक। आफ्टर दैट पीक उसकी जो कोलेजन की फॉर्मेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी, डाउन रेगुलेट होगी। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर ब्रेक था, ठीक है, जो भी गैप था वो फिल हो गया है। ठीक है, और उसके बाद डाउन रेगुलेशन हो गया। अब वो जो गैप फिल हुआ है विद टाइप 3 कोलेजन, वही टाइप 3 कोलेजन आप किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? टाइप 1 कोलेजन में। ठीक है, ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन स्टेज, ड्यूरिंग वीक 6 to 10, 6 से 10 हफ्तों के बाद ग्रेजुअल चेंज इन द न्यू टिश्यू फ्रॉम सेलुलर टू फाइबर्स। ठीक है, अब जो टाइप कोलेजन की टाइप्स हैं वो क्या करना शुरू हो जाएंगी? चेंज होना शुरू हो जाएंगे टाइप 3 से टाइप 1 के अंदर। ठीक है, और इसमें ही कोलेजन फाइबर्स क्या होंगे? अलाइन होंगे टुवर्ड्स स्ट्रेस। ठीक है, मतलब टेंडन को आप कब स्ट्रेच कर सकते हो? आफ्टर 6 to 10 weeks। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स, अगर एक इंडिविजुअल 6 weeks के बाद उसको पेन नहीं आ रही, हल्के से भी स्ट्रेच के अंदर, तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। पेन जो है पेशेंट की, पेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू पेन रिस्पॉन्स आपने स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी होती है, तो 6 weeks के बाद आपके पास गो अहेड है कि आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है? कंसोलिडेशन स्टेज के बाद क्या होता है कि जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, या फिर जो आपके टीनोसाइट्स की एक्टिविटी है, ठीक है, जो इंक्रीज हुई होती है वो कम होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर दैट कंसोलिडेशन स्टेज। ठीक है, और टाइप 3 कोलेजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके टाइप 1 कोलेजन के अंदर। 10 weeks के बाद, ठीक है, जो आपका फाइब्रस टिश्यू होता है वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है इनटू द टेंडन टिश्यू। ठीक है, मतलब जो आपका 6 to 10 weeks का हम लोगों ने टाइम रखा है, ठीक है, 10 weeks के फौरन बाद से क्या होना शुरू होगा? वही फाइब्रस टिश्यू अब एक्चुअली टेंडन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली जो बात करना चाह रहा है वो ये बात करना चाह रहा है कि टाइप 3 कोलेजन जो पहले प्रेजेंट है और उसने जो गैप को फिल किया है,
अब जब गैप फिल हो गया आप स्ट्रेचिंग करवा सकते हो। जैसे जैसे आप स्ट्रेचिंग करवाओगे ये तो एक तो टाइप सी कोलेजन अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, और सेकेंडली ये टाइप सी कोलेजन किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू टाइप वन कोलेजन। एट द सेम टाइम जो तीनों साइड्स की एक्टिविटी थी वो भी कम हो जाएगी और जो वैस्कुलैरिटी थी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो और ये जो मैच्योरेशन फेज है इसको हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं, और ये कितने अर्सा तक जारी रह सकती है, टिल वन ईयर, ठीक है, एक साल तक जारी रह सकती है, ठीक है। किसी को सर्जरी से कोई मसला तो नहीं है? किसी सर्जरी से लास्ट टाइम मैंने एक क्लास में दिखाया था तो एक बच्ची को बेहोश हो गई थी, ठीक है। तो मुझे तो मुझे खुद बड़ा खौफ है, मैंने कहा वैसे ये मेरे एंड के ऊपर गलती थी कि मैंने नहीं पूछा, इसलिए अब मैं जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं इन सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? देखा था कैसे क्या कर रहा था, सिंपली स्क्वीज कर रहा था साफ मसल, खुद से एक चीज मूव करी और दूसरी चीज मूव नहीं करी। अगर दिल खराब हो रहा है तो चले जो बेटा के रीजंस बन गई हैं विद द अपर फेशिया, जिसकी वजह से ये ग्लाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अब ये फर्दर क्या करना चाह रहे हैं, उस फेशिया को डीअटैच कर रहे हैं ताकि ये टेंडन ग्लाइड कर सके। कैल्केनियम में होल करें, ठीक है, इसको स्विचर कर देंगे, एंकर कर देंगे, ये थ्रेड्स उन्होंने लिए हैं
इनको एंकर करेंगे विद इन द कैल्केनियम, ठीक है। अब ये एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने पास किया, होलो स्ट्रक्चर है नीडल का। फ्रॉम द कैल्केनियम ये जो डिस्टल अटैचमेंट थी ना टेंडन की, इसके अंदर से ये आ रही है नीडल, ठीक है। अब उन्होंने ये थ्रेड इसके अंदर से गुजार दिया, ठीक है। मतलब टेंडन ऐसे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इनके सेंटर के अंदर क्या होगी, एक्चुअली थ्रेड होंगी जो कि इनको अटैच करके रखेंगे, ठीक है। स्टेम सेल्स का इंजेक्शन है ताकि रीजनरेशन को बेहतर किया जा सके। जी बच्चों सर आज तो आपने हमारे साथ हाथ कर दिए, हमें कुछ भी नजर नहीं आया, स्क्रीन शो हो रही थी ना, कुछ भी नहीं सर। सर हम बेबस हो गए। आप लोगों में से कोई बच्चा बल्कि दो बच्चियां आपस में बोली जा रही थी शायद, इस वजह से मैंने म्यूट किया था, और मेरी बात सुनिएगा। उस वीडियो लिंक दिया हुआ है, बैठ के देख लीजिएगा। प्रॉपर सर्जरी है, जिसका दिल घबराता हो वो ना देखे खाएंगे, ठीक है। अच्छा सर हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं बीच में। जी बताएं सर, मैंने आपसे पूछना था क्या सर, वैसे अब क्वेश्चन ही मुझे भूल गया सर, मैंने पूछना था। हाँ जी पूछें। सर वो एक वो आपने पहला वो दिया था ग्राफ, उस ग्राफ को दोबारा समझा दे, एक्सप्लेन कर दे। यही ग्राफ है, स्क्रीन नहीं शो हो रही है।
दिस इज द ग्राफ, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि ये एट द स्टार्ट, ये नजर आ रहा है ना माउस? यस सर आ रहा है, नजर आ रहा है एट द स्टार्ट। यहाँ पर जो आपके कोलेजन फाइबर्स एंड टेंडन्स के अंदर, दे आर इन वेवी नेचर, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस दिस इज द डीफॉर्मेशन, चेंज इन द शेप ऑफ अ टेंडन, ठीक है। और अलोंग द वाई एक्सिस इट इज स्ट्रेस, कि फोर्स कितनी लग रही है एक टेंडन के ऊपर या एक टिश्यू के ऊपर। कहते हैं ये जो टो रीजन होता है, दिस द फर्स्ट वन, दिस टो रीजन, ठीक है, इसमें वो कहते हैं मिनिमम स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है। अब आप यहाँ y एक्सिस पे देखो तो यहाँ पर y एक्सिस के अकॉर्डिंगली तो मिनिमम स्ट्रेस है ना, ठीक है, लेकिन x एक्सिस के अलोंग देखो तो ये इसने काफी एरिया कवर कर लिया इस लाइन में, ठीक है। तो इट मींस दैट मिनिमम स्ट्रेस के साथ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रही है। ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर वेवी नेचर होते हैं कोलेजन फाइबर्स, और एट द स्टार्ट जब आपकी स्ट्रेस अप्लाई होती है तो ये वेवीनेस खत्म होकर क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि टो रीजन में मिनिमम स्ट्रेस के साथ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है दिस वन लीनियर रीजन, ठीक है। यहाँ से इस एरो से लेकर इस एरो तक क्या है, आपका लीनियर रीजन है, कि जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही आपकी डिफॉर्मेशन होगी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रही है, कि जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे उतनी डिफॉर्मेशन होती जाएगी। इस लीनियर रीजन के एंड के ऊपर आपके पास अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो माइक्रोस्कोपिक फेलियर्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सही है। और अगर आप स्ट्रेस को कॉन्टिन्यू रखते हो तो इट विल लीड टू पार्शियल टीयर और अ कंप्लीट टीयर, जिसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक फेलियर कह रहे हैं, ठीक है। इनिशियली जब हम लोग किसी को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो चाहे वो पावर ट्रेनिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं, तो हम लोग अलाउ करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फेलियर्स हो, लेकिन हम उन माइक्रोस्कोपिक फेलियर्स को एक्सटेंड नहीं करते टूवर्ड्स माइक्रोस्कोपिक फेलियर। हम अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को कि वो स्ट्रेस्ट करे, ठीक है। उससे क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ डेट ट्रेनिंग, वो जो उसका हीलिंग टाइम होता है माइक्रोस्कोपिक फेलियर के बाद, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेट से पहली दफा में माइक्रोस्कोपिक फेलियर के बाद उसको 14 डेज लगे, तो नेक्स्ट टाइम उसको 10 डेज लगेंगे, एंड उसके बाद फिर उसको 4-5 डेज लगेंगे टू हील दैट माइक्रोस्कोपिक फेलियर, और इवेंचुअली उसको उस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कोई भी माइक्रोस्कोपिक फेलियर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो टेंडन है वो उस फोर्स के अगेंस्ट क्या हो गया, अडेप्ट कर चुका है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस टेंडन ने, ठीक हो गया। जो हमें कैसे पता चलेगा, मैं पूछ रहा हूँ कि माइक्रोस्कोपिक फेलियर जो है ना वो हो चुका है सर। हम पेशेंट की एग्जॉशन तक लेकर जाते हैं इंडिविजुअल को, पेशेंट को तो नहीं, सॉरी, किसी भी एथलीट को उसके एग्जॉशन तक लेकर जाते हैं, उस लेवल तक लेकर जाते हैं जहां पर वो थक जाए, ठीक है, सही है। जब वो थक जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक फेलियर। जरूरी नहीं उस माइक्रोस्कोपिक फेलियर के लिए कोई इंडिकेशन हो, ठीक है, एक टाइम लिमिट होती है कि उस टाइम तक आपने वो एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो सर इस तरह तो एक लिमिट पे आके हर जो स्पोर्ट्समैन होगा वो थक जाएगा, तो वहां पे माइक्रोस्कोपिक फेलियर हो जाएगा। Obviously, microscopic failure होगा। अब आप देखो ना कि हम लोगों ने हम लोग किसी भी एथलीट को जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए ये नहीं करते कि हर रोज उसको उतनी ही इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए। एथलीट के पूरे एक सेशन में या पूरे एक कैंप के दौरान, ठीक है, जो उसका फिजिकल एक्टिविटी का कैंप होता है, उसके पूरे फिजिकल कैंप के दौरान शायद 2-3 घंटे उनकी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होती है जो करवाई जाती है, और बाकी 24-48 आवर्स उसको रेस्ट दी जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेटर्स जो होते हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, दिखाते हैं ना प्रैक्टिस कर रहे हैं वॉलीबॉल की या फुटबॉल की, तो वो एक्चुअली क्या होती है, वो सिंपली फिजिकली एक्टिव रखा जाता है, लेकिन उनको वो स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज नहीं करवाई जाती। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज है उसकी वजह से उनको यही माइक्रोस्कोपिक फेलियर मैक्रोस्कोपिक फेलियर में जा सकता है। वो एक्चुअली वो उनके रेस्ट का टाइम होता है, वो एक्टिव रेस्ट होती है उनके लिए। देखो ना, वॉलीबॉल उनको खेलनी तो नहीं ना आती, उनको तो क्या खेलना आता है, उनको क्रिकेट खेलनी आती है, ठीक है।
तो वो वॉलीबॉल सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है? ओके सर, सर जी, सर मैंने पूछना था कि जब सर्जरी हम कर देते हैं किसी भी टेंडन की, अगर वो इंजर हो गया, पूरा कंप्लीट रप्चर उसका हो गया, तो वो सर्जरी के बाद उसकी मतलब पहले जैसी कंडीशन हो जाती है, मतलब वो अपनी रीगेन कर लेता है पुरानी दोस्त? 70-80% बस, इससे ज्यादा जितनी जितनी मर्जी अच्छी रिहैबिलिटेशन कर लें या जितना मर्जी अच्छा जितनी मर्जी अच्छी सर्जरी कर लें, 70-80% तक मैक्सिमम वो अचीव कर सकता है एज कम्पेयर टू द अनइन्वॉल्व साइड या जो नॉर्मल साइड है सर। और टेंडन की ग्राफ्टिंग होती है? ग्राफ्टिंग यस, अगर किसी का कम्प्लीटली रप्चर हो गया तो उसके ग्राफ्ट्स लग सकते हैं टेंडन? नहीं वो तो नहीं, टेंडन का ऐसा ऐसा लॉस नहीं होता ना, टेंडन का टियर नहीं, लेकिन फिर भी टेंडन का ऐसा लॉस नहीं होता कि जी टेंडन का लॉस हो गया। लेट्स से अगर लॉस हो गया है तो फिर तो लेट्स से एचिलस टेंडन है, एचिलस टेंडन जितना थिक तो कोई है ही नहीं टेंडन दूसरा, तो आप कहां से उसका ग्राफ्ट लोगे, ठीक है? समझ आई बात की? हाँ, जहां कहीं पर जैसे लेट्स से पैटेलर टेंडन है, पैटेलर टेंडन पैटेला से डीअटैच हो गया और उसने डीअटैच होते हुए बोन को रप्चर कर दिया या बोन को फ्रैक्चर कर दिया है इन सच अ वे कि आप अगर आप दोबारा उसको वो करना चाहो तो वो बोन के साथ अटैच नहीं होगा, तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं कि बोन को रिप्लेस कर देते हैं विद सम प्रोस्थेटिक डिवाइस, ठीक है? सर आपने कहा था मैकेनिज्म ऑफ इंजरी से पता लगता है कि टेंडन का रप्चर हुआ या फिर मसल का टियर हुआ, तो क्या डिफरेंस होता है उनके मैकेनिज्म ऑफ ड्यूरिंग द मैकेनिज्म? देखो मसल का जैसे हम लोग ने पहले बात की या कंट्यूजन हो सकता है, कंट्यूजन आप सबको नजर आएगा कि जी या तो इंडिविजुअल एथलीट जो है वो किसी चीज के साथ हिट हुआ है या उसके साथ कोई हिट हुआ है, कोई ऑपोजिशन का प्लेयर हिट हुआ है या कोई भी और चीज आपके साथ हिट हुई, दैट इज अ कंट्यूजन, ठीक है? ये हमें डायरेक्टली बता रही है मस्कुलर इंजरी है, ठीक है? उसके बाद हमने बात की थी लेसरेशन की, ये भी हमें साफ पता चलेगा कि जी लेसरेट हुआ है, वुंड है, डायरेक्ट कोई चीज हिट हुई है, कोई ऐसी स्टैब लाइक नाइफ थी या कोई ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट जो कि कट किया जिसकी वजह से मसल को टियर हो गया। फिर आ जाते हैं आपके पास स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? लेट्स से आप 6 बच्चे बैठे हो, मुझे पता है आप 6, मैं आपका लेट्स से फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने एक कैंप हमारा हुआ, ये हमारा कंपटीशन हो रहा है, इससे पहले मुझे पता है कैंप में आप लोगों ने कैसा कैसा परफॉर्म किया, ठीक है? अब एक ऐसा इंडिविजुअल जो कैंप से ज्यादा अपने आप को कोशिश करे एग्रेसिव खेलने की या मैक्सिमम पार्टिसिपेट करने की, ऑब्वियसली मैं मुझे पता चल जाएगा कि ये अपनी एफर्ट से ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसकी इतनी एफर्ट नहीं है, ये अपनी एफर्ट से ज्यादा काम करने की कोशिश करे तो देर इज अ चांस उसको स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है? सही है, जहां पर स्ट्रेन होगा वहां पर मसल इंजरी कॉमन है, टेंडनाइटिस या टेंडिनोपैथी वहां पर कॉमन हो सकती है कि जब वो कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी पॉज विदाउट एनी ब्रेक वो कॉन्टिन्यूसली एक ही किस्म की फिजिकल एक्टिविटी को एट द सेम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी परफॉर्म करे। लेट्स से ओवर है, एक बंदा ओवर करवा रहा है, फास्ट बॉलर है, ठीक है, ओवर करवा रहा है और वो आफ्टर टेस्ट मैच में 5-10 दिनों का होता है टेस्ट मैच, तो वो 5 days ऑल द डे वो हर एक सेशन में 10-12 overs करवा रहे हैं फास्ट बॉलर, जो के लिए उसके लिए इम्पॉसिबल है, कोई भी फास्ट बॉलर इतने ओवर नहीं करवा सकता कॉन्टिन्यूसली, ठीक है? तो अगर वो करवा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टेंडनाइटिस हो सकता है, ठीक है? किसी भी चीज के लिए ज्यादा ओवर एग्जर्ट करना, हाँ अगर वो उसी बॉलिंग के अंदर अपनी स्पीड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे, पुश करने की कोशिश करे। अक्सर हम लोग जब मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हम लोग काम करते थे तो वो जो कोच होता था वो कहता था बेंड योर बैक, तो बेंड योर बैक से मुराद क्या होती थी कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करो बॉल को पुश करने में कि बॉल की स्पीड ज्यादा हो, तो वो कहते थे बेंड योर बैक, बेंड योर बैक, ठीक है? तो वहाँ 19 साल से कम उम्र के लड़के होते थे, तो अक्सर मतलब वहाँ पे मेरे पास 25 लड़के थे, तो 25 में से 5-6 ऐसे थे जिनको बैक का मसला हो गया, सिर्फ किस वजह से कि उनको नहीं पता इस चीज का कि हम बैंड बैक को बैंड तो कर लें
ठीक है, लेकिन उसके लिए उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके लिए वैसी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ना, ठीक है। वो सिर्फ कोच का ये जोर होता था, जोर लगाओ, फोर्स आए, आपकी बॉल स्पीड से निकले। अब जो वो स्पीड इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा है वो क्या है, अपनी स्ट्रेंथ, उसकी ऐसी नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स लगा के बॉल की स्पीड इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसमें स्ट्रेन की इंजरीज हो सकती हैं। कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द टाइम कोई एक्टिविटी कर रहा है सेम ही लेवल, सेम थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर, तो देयर इज अ चांस कि वो टेंडिनाइटिस हो सकता है, ये टेंडिनोपैथी हो सकती है। बात की समझ है डिफरेंस, ठीक है। एक प्रोग्रेसिव उसमें जा रहा है मस्कुलर इंजरी, और एक कंटीन्यूअस स्टेट के अंदर जा रहा है, लेकिन फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड देयर इज अ चांस कि टेंडन इंजरी हो जाए, ठीक है। हां, जैसे ऑब्वियसली सुप्रास्पाइनेटस टेंडन है, तो उसमें वो तभी होगा जब ओवरहेड जाएगा, जब ओवरहेड जाएगा ये तो नहीं होगा, ठीक है। बस सिंपल, बाइसेप तभी होगा जब बाइसेप एल्बो के ऊपर भी फ्लेक्शन करवा रहे हैं, शोल्डर के ऊपर भी फ्लेक्शन करवा रहे हैं फोर्सफुल अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ वो एल्बो पर भी फ्लेक्शन करवाए या शोल्डर के ऊपर भी, तब बाइसेप के चांसेस आते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों जी, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ओके बच्चों, लास्ट है।